अब तक हम लोग एंटीना के बेसिक फंडामेंटल के बारे में पढ़े। एंटीना आपका है क्या, तो एंटीना के बारे में जानने के बाद अब हम लोग बेसिक अपना फंडा क्लियर करेंगे कि एक एलिमेंट्री एंटीना होता क्या है। ठीक है, तो जैसे एलिमेंट्री एंटीना, जैसे अगर हम देखें, एंटीना एक पॉइंट रेडिएटर या आइसोट्रोपिक होता है। आइसोट्रोपिक का मतलब ये होता है, पॉइंट रेडिएटर का मतलब ये है कि जैसे एक हमारे ये कोई क्या हो, सोर्स पॉइंट हो। ठीक है, इस सोर्स पॉइंट से जो रेडिएशन हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का या सिग्नल्स का, वो क्या होना चाहिए, चारों तरफ होना चाहिए। तो चारों तरफ होने का मतलब ये है, लेकिन एक प्रैक्टिकली और व्यवहारिक रूप से कोई भी एंटीना हमारा क्या होता, आइसोट्रोपिक एंटीना नहीं होता है। ठीक है, अब लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी के अनुसार रेडिएटिंग एलिमेंट एक पॉइंट सोर्स नहीं हो सकता जब तक कि इसमें दो हमारे पोल ना हो। दो पोल का मतलब कि दो कंडक्टर हो हमारे, दो पोल, एक हाफ डाइपोल हो, दूसरा एक हाफ डाइपोल हो। तो जो दो कंडक्टर हम लोग लेते हैं, कंडक्टर हमारा जैसे एक एक कंडक्टर हमारा ये हो गया, कंडक्टर ये, दूसरा कंडक्टर हमारा ये हो गया। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाई पोल बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, डाई पोल हो गया। अब ये जो डाई पोल है, यह एक ऑक्सीलेटर की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। अगर हम इसको बी मान लें और इसको क्या मान लें, ए मान लें, इसको इस पे हम लोग क्या करें कि कोई रेडियो फ्रिक्वेंसी इस पे हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। ठीक है, रेडियो फ्रिक्वेंसी हम लोग इस पे क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहा है। ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोलियल है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आरएफ अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ठीक, जब हम आरएफ सिग्नल इस पे अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होता है। मतलब जो हमारे ए सिरे के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। तो जब ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो जो ये हमारा बी सिरा है, ठीक है, इस बी सिरे की तरफ इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे एकत्रित होने लगते हैं इधर। मतलब ए सिरे पे इलेक्ट्रॉन का क्या होने लगता है, लॉस होने लगता है। ठीक है, ऐसे ऐसे पैटर्न बनाएंगे इलेक्ट्रॉन का। तो ए सिरे पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, तो अब ए सिरे पे हमारे क्या बचेंगे, जब बी सिरे पे चले गए तो यहाँ पे क्या बचेंगे, आपके पॉजिटिव चार्ज, ये ऐसे ऐसे बना लेंगे हम लोग। ठीक, अब हमारे क्या हुए, मतलब बी सिरे पे इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के कारण, इस पे बी इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के कारण इसकी जो पोलरिटी होगी निगेटिव हो जाएगी, और इसकी पोलरिटी जो हो जाती है हमारी क्या हो जाती है, अधिकतम पॉजिटिव चार्ज हो जाती है। ठीक है, अब जो आपकी करंट होगी वो क्या होगी, जैसे ए के इस पॉइंट से स्टार्ट होगी ऐसे और कहाँ जाएगी, बी पॉइंट पे। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया करंट डिस्ट्रीब्यूशन, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन। अब जहां पर वोल्टेज का मान, जैसे इस पॉइंट को अगर हम देखें तो वोल्टेज हमारा क्या है, मिनिमम है, और करंट यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट पे मैक्सिमम। अगर इस पॉइंट को हम लोग लें, इस पॉइंट सोर्स को,
यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज का मान क्या होगा हमारा, इस पे वोल्टेज मिनिमम और इस पे करंट क्या होगी हमारी, मैक्सिमम होगी। लेकिन अगर हम इस पॉइंट पे आए तो यहाँ पे क्या है, आई मिनिमम, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज क्या है हमारा, वोल्टेज मान मैक्सिमम होगा वोल्टेज हमारा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जहाँ पे करंट का मान मिनिमम हुआ वहाँ पे वोल्टेज का मान मैक्सिमम मिला है, जहाँ पे वोल्टेज मिनिमम करंट का मान मैक्सिमम। तो इसके अकॉर्डिंग जो डिफरेंस होगा करंट और वोल्टेज के बीच का वो क्या होता है, 90° का न्यूनतम क्या होता है, फेज डिफरेंस होता है। करंट और वोल्टेज के बीच फेज डिफरेंस जो होगा वो कितना होगा, 90° का, ठीक है। तो इस तरह से एक कंडक्टर एलिमेंट के बीच हम अगर रेडियो फ्रिक्वेंसी को अप्लाई करते हैं तो हमारे करंट और वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होता है। तो अगर हमारा जो जहाँ पे करंट होगा तो वहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, जैसे इस पे हमारी क्या बनेगी, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर हम वोल्टेज की बात करें तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज करंट और वोल्टेज का जो फेज डिफरेंस है वो हमारा कितना है, 90° का।